आपको कितने दिन हो गए सीखते हुए? एक हफ्ता। उसमें से आप 3 दिन आए भी नहीं। सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। बिगनर बॉक्सिंग ट्रेनिंग DA ट्रेनिंग है आज। जो वीडियो पे पहली बार आए हैं उनको बताना चाहूँगा, बिगनर बॉक्सिंग ट्रेनिंग करा रहा हूँ आजकल। आज 8वां दिन है खिलाड़ियों का ट्रेनिंग का। डे टू डे वीडियो अपलोड हो रही है, क्या कुछ ट्रेनिंग कराई जा रही है इन खिलाड़ियों को। और जो पहली बार इस चैनल पे है उनको मैं बताना चाहता हूँ, शॉर्ट्स डाल रहा हूँ आजकल एडवांस पंचिंग ट्रेनिंग की, जो आप पंचिंग बैग पे कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको देखें, काफ़ी एडवांस ट्रेनिंग है। और आज डेट में आपको दिखाऊंगा क्या ट्रेनिंग कराई मैंने। वीडियो पे बने रहें, कुछ आपका सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद। दोस्तों, बिगनर बॉक्सिंग ट्रेनिंग का Day 8 सेशन है आज। 8वां दिन है उनको ट्रेनिंग करते हुए। इसमें कोई शक नहीं, जितने मेरे पास खिलाड़ी खड़े हैं इनमें 2-3 खिलाड़ी पुराने हैं, जिनको 4-5 महीने लगभग हो गए हैं। लेकिन इनमें 4-5 खिलाड़ी कुछ ऐसे हैं जो नए हैं, और उनका आज 8वां दिन है ट्रेनिंग का। उनको मैंने सिखाया कैसे गार्ड पोजिशन करते हैं, कैसे आप जैब क्रॉस मारते हैं। लेकिन आज मैं इनको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप काउंटर अटैक करते हैं। अगर आपको कोई जैब पंच मारेगा तो आप नीचे बैठकर, सबसे पहला डिफेंस बताया कि आप नीचे बैठकर उसके अब्डोमिनल में, बॉडी में आप जो है जैब मार के स्कोर ले सकते हैं। पहले मैं इनको डेमोंस्ट्रेशन दिया, फिर जो है इनको मैंने 3-3 मिनट के 3 राउंड अल्टरनेट दोनों खिलाड़ियों को कराए, जो आपके सामने देखिए कर रहे हैं। ये देखिए, एक बंदा जो है फेस में जैब मारा, दूसरा जो है नीचे बैठते हुए थोड़ा नी को बैंड करते हुए नकल पोर्शन लैंड कर रहा है अब्डोमिनल बॉडी में, और उसको स्कोर ले रहे हैं। ये इनको पहला ड्रिल सिखाई गई दोस्तों। और 8वां दिन है आज, इनको जैब क्रॉस, स्टैंडिंग जैब और फॉरवर्ड जैब, स्टैंडिंग क्रॉस, फॉरवर्ड क्रॉस, जैब क्रॉस के कॉम्बोज और पैडिंग ड्रिल, पंचिंग बैग में कैसे स्ट्रेट पंच मारते हैं उनकी ड्रिल कराई जा रही है हर दिन, ताकि इनके पंच स्मूथ हो सके, बॉडी मूवमेंट डेवलप हो सके। तो आज मैंने इनको टेक्निक कराना शुरू कर दिया है, कैसे आप सामने वाले का पंच आएगा उसको डिफेंस करेंगे। ये देखो, नेक्स्ट टेक्निक शुरू कर रहा हूँ मैं। इनको बता रहा हूँ कि अभी हमने सीखा कैसे आप जैब के ऊपर जैब बॉडी मारेंगे, लेकिन अभी आप अपोनेंट की रेंज में जाएंगे ताकि अपोनेंट आपको पंच मारे और आपने वहाँ पे पंच को शायद में पेट में स्कोर लिया। अभी तक वो बताया था मैंने, अभी आप बताएंगे पैरी करेंगे और जैब फेस में मारेंगे, पंच को पैरी करेंगे जैब फेस में मारेंगे। और इसका भी 3-3 मिनट के 3 राउंड एक खिलाड़ी करेगा और 3 राउंड एक खिलाड़ी करेगा। डेमोंस्ट्रेशन में आपके सामने दे रहा हूँ कि आप पैरी करके तुरंत अपने राइट हैंड को वापस अपने जॉ को प्रोटेक्ट करेंगे, चिन पे वापस लाएंगे और वहाँ पे आप काउंटर करेंगे। ये देखिए शुरू हो गया। ये साउथ पोल के थे दोनों खिलाड़ी जो सामने आए, एक साउथ पोल एक ऑर्थोडॉक्स है, बाकी सब सेम स्टांत के हैं। तो इनका 3-3 मिनट का 3 राउंड ये भी चला दोस्तों। जैसे मैं आपको बता रहा था कि कुछ नए खिलाड़ी हैं तो कुछ पुराने भी हैं, लेकिन ट्यूटोरियल वीडियो सबके लिए है, नए पुराने सबको फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो से। और कैसे आप जैब पे डिफेंस करेंगे, नेक्स्ट थर्ड मैंने बताया आप डक करेंगे और स्कोर लेंगे, डक करेंगे और जैब मारेंगे, जब दूसरे का जैब आएगा डक करेंगे और स्कोर लेंगे। इसका भी 3 मिनट के 3 राउंड एक बंदा करेगा और 3 राउंड दूसरा बंदा करेगा। तो इस प्रकार ड्रिल चल रही है बिगनर बॉक्सिंग ट्रेनिंग का, सबके लिए फ़ायदा है। अगर कोई पुराना खिलाड़ी है वो भी इस वीडियो पे आएगा, उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि अधिकतर होता क्या है, जो पुराना खिलाड़ी होता जाता है बेसिक ट्रेनिंग नहीं करता है, और यही सबसे बड़ी कमी रह जाती, बेसिक नहीं करता है और बेसिक चीज़ें भूलता चल जाता है। तो ये देखिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग है ये, एक बंदा डक कर रहा है, स्कोर ले रहा है। मैं सबके आगे कैमरा को लेके जा रहा हूँ, और जो कुछ मिस्टेक रह रही है इनको मैं वीडियो देखते हुए भी बताता हूँ, जो सामने नज़र आ रहा है वो भी बताता हूँ। तो कुछ कमियाँ ऐसी रहती है दोस्तों, ग्राउंड में नहीं समझ आती, क्योंकि वहाँ पे आपने वीडियोग्राफी भी कर रहा हूँ, ट्रेनिंग की कमांड भी दे रहा हूँ,
और कैमरे को भी संभालो, तो काफ़ी टफ होता है। तो जो कुछ कमी रह जाती मैं इनको बाद में वन टू वन मैसेज करके या फिर शाम को ग्राउंड में नेक्स्ट डे बताता हूँ कि ये देखिए मैंने वीडियो में देखा ये कमी थी बेटे, इसको आपने अमेंडमेंट करना होगा। तो ऐसे करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो खेल में ऐसे ही सुधार होता है। यही वो टिप्स हैं जिनको करने से आपका खेल बेहतर से बेहतर हो जाएगा। जो कुछ कमी रह रही है मैंने बताया इनको खिलाड़ियों को कि आप एकदम नया है, ये वाला तो एकदम नया है बिल्कुल ही। इन्हें तो शायद तीसरा सेशन है इसका, आज इस खिलाड़ी का तीसरा सेशन है, बहुत अच्छा कर रहा है ट्रेनिंग। तीसरा सेशन लाजवाब ट्रेनिंग, ये देखिए है ना। सबसे पहली बार जब हम ट्रेनिंग में आते हैं पहले मैं प्रीव्यू लेशन का इनको जो पहले दिन ट्रेनिंग कराई उसका रिपीट कराता हूँ, रिविज़न कराता हूँ, उसके बाद नई ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को काट काट के शॉर्ट कट में आपको दिखाता हूँ। वार्मिंग अप सेशन नहीं दिखाता हूँ इसमें, कूलिंग डाउन सेशन नहीं दिखाता हूँ इसमें, सिर्फ बॉक्सिंग ट्रेनिंग के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट जो मैं इनको बता रहा हूँ जैब के ऊपर आप क्या काउंटर कर सकते हैं। अब आप जो है स्वैबैक करेंगे और काउंटर करेंगे, देखिए आप जो है ये देखिए आप अपना बॉडी वेट आगे रखेंगे ताकि आप रेंज में जा सकें। रेंज में रहेंगे अपोनेंट के, जब रेंज में रहेंगे तो अपोनेंट पंच खोलेगा, आप में स्वैबैक करेंगे और जैब मारेंगे। ये सिखा रहा हूँ मैं उनको, तीन तीन मिनट के तीन राउंड इसका भी चलेगा और अल्टरनेट करेंगे दोनों, और बहुत ही बेहतर टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक है। इसमें आपको रिस्क लेना पड़ता है, रेंज में जाना पड़ता है ताकि अपोनेंट आपको पंच मारे, लेकिन आप प्लानिंग से हैं, पहले आप अलर्ट हैं, आप तुरंत स्वैप बैक करेंगे और पंच मारेंगे। स्वैप बैक और स्टेप बैक दो अलग अलग हैं दोस्तों। स्टेप बैक में क्या होता है कि आपके दोनों पैर का स्टेप आप पीछे लेते हैं, और स्टेप बैक एक ऐसा डिफेंस है जिसको बॉक्सिंग का सबसे सेफ डिफेंस माना जाता है, क्योंकि अगर दो लोग लड़ाई कर रहे हो अगर आप वहाँ से अपने आप को क्विट कर लेंगे जाहिर सी बात है आप बच जाएंगे। स्टेप बैक का भी वही मतलब है, आप जो हैं पीछे हट जाते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप इसमें काउंटर अटैक करना काफ़ी टफ हो जाता है इसमें। और स्वैप बैक में क्या है, आप बच भी जाते हैं और काउंटर अटैक कर पाते हैं। स्वैप बैक में आपका पैर वहीं रहता है, आगे वाला पैर, पीछे वाला पैर आप पीछे हटाते हैं और कमर से आप बॉडी को बैक करते हैं और आगे तुरंत स्टेप बढ़ा के आप स्कोर लेते हैं। तो ये दोस्तों बहुत अच्छा स्वैप बैक, एक काफ़ी अच्छा काउंटर अटैक के लिए काफ़ी अच्छा एक डिफेंस भी है, और काउंटर अटैक के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है स्वैप बैक टेक्निक। तो ये देखिए ये खिलाड़ी नए पुराने दोनों को सिखा रहा हूँ मैं, कुछ कमी रह जाए बता रहा हूँ कि आपने कमर से पीछे जाना है, पैर को पीछे हटाना है। तो ये ड्रिल आपको सिखाई जा रही है, ये भी वही तीन मिनट का एक राउंड, तीन मिनट का दूसरा राउंड, तीन मिनट का तीसरा राउंड, एक खिलाड़ी का एक एक मिनट बीच में रेस्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट खिलाड़ी का भी तीन मिनट के राउंड रहेंगे, तीन मिनट के तीन तीन राउंड दिए जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हर समय पंचेज निकालेंगे, पंचेज कम से कम ट्रेनिंग सेशन में हमारे कम से कम 250 से 300 पंचेज निकल जाते हैं। अगर हम इस तरह ही पंचेज निकालेंगे तो हमारे मसल्स लॉस हो जाएगा, क्योंकि एक मैराथन पंचेज हो जाते हैं लगातार पंच निकालना, तो मसल्स लॉस हो जाएगी आपकी बॉडी की। मसल्स को बचाना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो अगर मसल्स लॉस हो जाएंगे तो इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए हर राउंड के बीच में आपको 20 सीटअप्स, 10 पुशअप्स, 10 काउंटर मूवमेंट जम लगाने चाहिए ताकि आपकी मसल्स स्ट्रेंथिंग साथ साथ हो सके। मैं यही अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में रखता हूं, जैसे कि मेरे खिलाड़ी आपके सामने कर रहे हैं, ये लग रहे हैं सीटअप मेरी काउंटिंग पे, उसके बाद लगेंगे पुशअप्स और पुशअप्स के बाद काउंटर मूवमेंट जंप, और मैं खुद कमांड करता हूं साथ में। ऐसा नहीं कि आप जाइए सीटअप्स मान लीजिए, नहीं, खुद साथ में लगूंगा, सीटअप्स कराऊंगा, पुशअप्स कराऊंगा, काउंटर मूवमेंट जंप मुँह से काउंटिंग करूँगा, देन उसके बाद एक मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। ब्रेक के बाद अगेन जो ट्रेनिंग शेड्यूल है उसके अनुसार शेड्यूल को फॉलो किया जाएगा। इसके बाद मैंने खिलाड़ियों को तीन तीन मिनट के तीन राउंड पंचिंग पैड पे डाला। दोस्तों जो एडवांस पंचिंग बैग ट्रेनिंग सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्या क्या एडवांस टेक्निक होती है, मैं शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पर, काफ़ी एडवांस है जो आपको फाइट में
खूब मदद करेंगे, इतने एडवांस है कि आप उसको करने से पहले आपको उसको सीखना पड़ेगा। इतनी टफ और इतनी बेस्ट एक्सरसाइज है, बेस्ट बॉक्सिंग ड्रिल है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच दोस्त।